बिहार में कोरोना के सुधरे हालात के बीच अब फिर से संकट के बादल मंडराने लगे। देश के 5 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अब सूबे का स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सभी जिलों के सिविल सर्जन्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के दौरान अलर्ट रहने और संक्रमितों पर नजर बनाए रखने को कहा। वहीं कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक बार फिर सख्ती लागू की जाएगी। कोरोना संक्रमण की आशंका को देख राज्य सरकार पूरी तरह सतर्कता बरतने जा रही है। अन्य राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद अब बिहार में अत्यधिक भीड़भाड़ वाले आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में कोरोना के मामले फिर से नहीं बढ़े, इसके लिए सरकार ने विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया। आदेश के अनुसार लोगों को कठोरता से नियमों का पालन कराया जाएगा। आपदा प्रबंधन समूह और गृह विभाग ने हाल ही में कोरोना सतर्कता को लेकर बैठक की और संयुक्त आदेश जारी किया, जिसके तहत गृह मंत्रालय द्वारा कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए गाइडलाइंस के साथ ही स्वास्थ्य विभाग के उन SOP का कड़ाई से पालन कराया जाएगा जो कार्यस्थलों, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स आदि को लेकर जारी है। बिहार में अब भीड़भाड़ वाली जगहों जैसे सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन इत्यादि पर अब फिर से अधिक संख्या में पुलिस बलों की तैनाती होगी। जारी आदेश के अनुसार कोरोना चेन को तोड़ने के लिए अत्यधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों या माइक्रो कंटेनमेंट जोन को चिन्हित कर वहां सीमित समय के लिए लॉकडाउन लगाने की बात कही गई। हालांकि इस दौरान अनिवार्य सेवाओं पर रोक नहीं लगेगी। वहीं इस आदेश में यह भी कहा गया कि जिस माइक्रो कंटेनमेंट जोन को सील किया जाएगा या जिस क्षेत्र में लॉकडाउन लगाने की जरूरत दिखेगी, वहां के लोगों को पूर्व सूचना या नोटिस के जरिए इसकी जानकारी काफी पहले दे दी जाएगी ताकि वह जरूरी सामान इकट्ठा कर सके। बता दें, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा आदेश से पहले 10 फरवरी को जारी किया गया था। संयुक्त आदेश के अनुसार अब ऐसे आयोजनों की अनुमति नहीं मिलेगी जिसमें बहुत अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना हो, और ऐसे आयोजन अगर बहुत जरूरी नहीं हो और अगर अनुमति मिल भी जाए तो प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोरोना गाइडलाइन का पालन हर हाल में हो। आयोजन की अनुमति देते समय उपस्थित होने वाले लोगों की संख्या और समय का भी उल्लेख दर्ज रहेगा।